मध्य प्रदेश के शाजापुर में आज जिला कांग्रेस कार्यालय पर मध्य प्रदेश युवक कांग्रेस के प्रदेश महासचिव उज्जैन संभाग के प्रभारी स्वीटी पाटिल व सह प्रभारी नहीम अहमद शाजापुर जिले के युवक कांग्रेस के पद अधिकारियों की मीटिंग लेने पहुंचे, जिनमें उन्होंने बताया है कि किसानों के आंदोलन के समर्थन में कांग्रेस पार्टी पूरी ताकत के साथ एकजुटता से खड़ी हुई है। वहीं दूसरी तरफ जब तक तीनों किसान कानून केंद्र की सरकार वापस नहीं लेती है, तब तक कांग्रेस पार्टी किसानों के समर्थन में आंदोलन करती रहेगी। इसी कड़ी में 9 फरवरी को कांग्रेस पार्टी द्वारा युवक कांग्रेस एवं किसान कांग्रेस के द्वारा संसद के घेराव का किया जाना बताया जा रहा है, जिससे शाजापुर जिले से अधिक संख्या में कार्यकर्ताओं को शामिल होने की अपील संभाग प्रभारी स्वीटी पाटिल एवं साथ ही साथ जिला प्रभारी नहीम अहमद ने की है। तहलका इंडिया न्यूज के लिए विनोद आहूजा की रिपोर्ट। लड़ाई में हमारी यूथ कांग्रेस नहीं, हमारी कांग्रेस भी साथ दे रही है। और शाजापुर का नाम तो मैंने हमेशा सबके मुंह से सुना भी है, और आज मैं मुझे पता भी चल गया जब आप सबने मुझे बताई बातें। देखिए मैं तो नहीं हूँ, जानती इतना कुछ नहीं हूँ, पर जरूर मेहनत करूँगी, आप सबको साथ लेकर चलूँगी। अभी मेरा सिर्फ इतना निवेदन है कि सबसे ज़्यादा भारी संख्या में आप लोग 9 तारीख को संसद घेराव में सब लोग शामिल हुई है। नई कमेटी बनी है, सब लोग इलेक्टेड बन के आए हैं। अभी तक जो करते आए थे मान्य, पर अभी आगे क्या करना।